कभी कभी चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, तभी हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो अपनी पेन, पेंसिल और सुई धागे ले लें, क्योंकि हमारे पास कुछ DIY है जो आपका दिन जरूर बचा लेंगे। कौन हो सकता है? हेलो, ओह मेरे लिए शुक्रिया। पक्का ही वही बैंड्स हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, और ये तस्वीर उससे भी ज्यादा प्यारी है। मुझे ये ट्राई करने चाहिए। ये कैसी लग रही है? ओ, ये इतनी बड़ी क्यों है? मुझे लगा था मैंने साइज चार्ट पर ध्यान दिया था। शायद मैं इसे खुद एडजस्ट कर सकूं। क्या ये धागा मदद करेगा? ओह हाँ, इसमें से इस धागे को निकालें, लेकिन बिल्कुल पीछे वाले में ना डालें। जब आप इसे खींचेंगे और टाइट करेंगे, इन्हें वापस पीछे लेकर आएं और बांध दें। ध्यान रहे कि ये टाइट हो। अब इस स्कर्ट को जीन्स में डाल लें और चाहे तो पूरी कमर तक कर लें। अब आपको वो नहीं दिखेगी और आपकी जीन्स अच्छे से टाइट है। दोबारा क्लास में सपने देख रही हो सोफिया? कम से कम ये लेसन से बहुत दिलचस्प है। ब्रायन को मेरे साथ स्कूल के बाद घूमने जाना है। मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, मैंने आज अच्छे से कपड़े क्यों नहीं पहने? उसे लगेगा मैं बहुत अजीब हूँ। जब तक क्या ये मदद करेंगे? अपने आउटफिट को मजेदार बनाएं, इसे बीच से काटें, ध्यान से इसे धीरे धीरे करें। जब ये खुल जाए तो कोनों को टक इन करें। अब कोनों को साथ में बांध दें। ध्यान रहे कि ये अच्छा और टाइट हो। ये प्यारा है ना? सिर्फ एक कट की वजह से। वाह, ये बहुत प्यारा है। तुमने बस ये इस्तेमाल किए? ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ओह बहुत हवा चल रही है। क्या मुझे कुछ हवा रोकने वाला पहनना चाहिए था? हे, वापस आओ। हैट पहनना बुरा आइडिया था। मेरा क्लिप, मैं तो इसे भूल ही गई थी। लगता है मुझे पता है अब क्या करना है। अगर आपके पास ऐसी बीनी है तो उनके बीच से क्लिप को लगाएं, तो ये आपके बालों पर लग जाएगी कि हैट हवा से भागी कि नहीं। वाह, ये टैटूज बहुत अच्छे हैं। क्या मुझे ये बनवाना चाहिए? पर मैं 18 साल की नहीं हूँ, मुझे परमिशन चाहिए। मम्मी, क्या मैं ये टैटू बनवा लूँ? प्लीज 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 प्लीज। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो मूड खराब कर देती है। मैं बस चीजें अपने हाथ में ले लूंगी। रुको, मेरे पास आइडिया है और माँ को पता भी नहीं चलेगा। मार्कर से एक डिजाइन बनाएं। सोफिया ने एक दिल चुना, इसके ऊपर बेबी पाउडर डाली और हेयर स्प्रे लगाने से पहले इसे साफ कर ली। इसे देखो, ये अच्छा दिख रहा है। क्या तुम्हें हंसने का मन है? ये देखो मॉम, अब देखना तुम। लेकिन ये नकली है, कसम से। हो, तुम बहुत तेज हो लड़कियों। आह, आर्ट क्लास, अपनी फीलिंग्स को दिखाने की सबसे अच्छी जगह। कहो कि ये बुरा नहीं है। पता चला मेरे पास स्टिल लाइफ की कला है। मेरा मोटा ब्रश कहाँ है? आहा, नहीं, मेरे ड्रॉ स्ट्रिंग तो पेंट में डूब गए। कितना गंद है। ओह, ये बुरा हुआ। तुम ये क्यों नहीं कर लेते? ये इस तरह कभी गंदे नहीं होते। मैं दिखाती हूँ। इस तरह से स्ट्रिंग को दो उंगलियों में घुमाओ
और फिर ये पैटर्न बनाओ। जब स्ट्रिंग खत्म हो जाए तो इसे सर्कल के बीच से निकाल दे। अब इसे खींचे और दूसरी तरफ ले जाए। हे, ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया। अब हम मैच करते हैं। यही वो शर्ट है जो मैं ढूंढ रही थी। तुम अब रिसाइकल पाइल में जा रही हो। और क्या? हो, मुझे बहुत पसंद है पर ये बहुत लंबी है। नहीं, तुम भी बिन में जा रही हो। क्या मेरे पास कुछ और है? ये स्वेटशर्ट पुरानी हो गई है। चलो मिलते हैं। एक मिनट रुको, शायद ये काम करे। अगर मैं कुछ चीजें बदल दूं, पहले ये पहन ली। चश्मों पर ध्यान दो। कि प्यारी है ना? क्या ये स्वेटशर्ट से ज्यादा तो ड्रेस लग रही है? पर शायद ये बेल्ट ये बदल दे। और ये रंग इससे मैच भी करता है। बस इसे अपनी कमर पर बांधे और बंद कर दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लुपियों में करते। यहाँ अब टॉप को ऊपर से निकाले और बाकी के स्वेटशर्ट को नीचे छिपा दे। और पूफ, बिल्कुल फिट। शुक्र है मैंने इसे फेंका नहीं। अब मुझे डोनेशन सेंटर जाना चाहिए। क्या आप भी ये DIY ट्रिक्स ट्राई करना चाहते हैं? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और 123 को के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और मजेदार लाइफ हैक्स के लिए।